ईरान ना तो पाकिस्तान न जापान प्यारा है, हमें तो हर हाल में हिंदुस्तान प्यारा है। वतन के इश्क में लुटा दे दिलो जहाँ अपना, हमें तो वही इंसान जानो दिल से प्यारा है। शेर के साथ में हम सब के हर दिल अजीज आलिम दीन, हम सब के मुशफिक व मुरब्बी, आप चेहरा शायद स्टेज पर पहली मरतबा देखेंगे। आपने अपनी पूरी जिंदगी का अक्सर हिस्सा मध्य प्रदेश में गुजारा है, बहुत बड़ा अल्लाह ने जो है काम लिया है दीन का आपसे और ले रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हजरत वाला का साया हम लोगों के सरों पे तादीर कायम वदायम फरमाए। इन तमाम अशार के साथ में मैं अपने मुशफिक व मोहतरम उस्ताद मोहतरम सरपरस्त हजरत मौलाना सलामतुल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएँ, अपने वालाना बयान से अब कौम एकजहती के बयान से हमें और आपको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام برادران وطن और मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ही का फजल और करम है कि अल्लाह पाक ने इतना बड़ा अजीम शान इजलास करने की तौफीक अता फरमाई और आप हजरात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। नियत ये करो कि यहाँ से कुछ ले कर के जाना है इंशाअल्लाह। मैं तो इत्तेफाक से आ गया हमारे ये अजीजम हाफिज़ इकबाल साहब साक़िबी के इसरार के ऊपर हाजिर हो गया। मुझे कुछ जहन में भी नहीं था कि मुझे कुछ बोलना होगा और ना मुकर्रर जैसा आदमी हूँ मैं, लेकिन बहरहाल बहराइच हमारा वतन है, हमारे ऊपर भी कुछ हक बनता है कि कुछ यहाँ काम की बात की जाए और इरादे भी ये हैं कि अब कुछ बहराइच में और मज़ीद काम किया जाए इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये उलमा का गढ़ है और इस वक्त ज़्यादातर तलबा और उलमा का मजमा है। मैं क्या बताऊँ आपको, मुख्तसर सी अपनी कारगुजारी अर्ज़ करता हूँ। 1989 में हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे और मेरे एक साथी मौलाना हाशिम साहब को खंडवा जैसे शहर में भेजा था, जहाँ पर अपनों की भी मुखालफत और गैरों की मुखालफत का बहुत ज़बरदस्त मामला था। लेकिन हज़रत बांदवी रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं शामिल हाल थी, हर काम उनके मशवरे से किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गांव है खंडवा से बुरहानपुर रोड पर 4 किलोमीटर पर वाक़े है, उसको छोटा बोर गांव कहते हैं। पूरे ज़िले के अंदर असबियत और तासुब का गढ़ माना जाता था, हिंदू मुस्लिम में बड़ा फ़र्क होता था। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, हजरत बांदवी की दुआएं हुई, हम लोगों ने इस अंदाज से काम किया। आज 33 साल हो गए करीब कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस छोटे से गांव ही के नहीं बल्कि शहर खंडवा के जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ हिंदू भाई हैं वो सब मदरसे से हमारे ताल्लुक रखते हैं। बहुत 26 जनवरी के मौके के ऊपर पिछले साल मैंने अपने गांव के एक बाबूलाल पटेल साहब को बुलाया और उनसे 5 मिनट के लिए बोलने को कहा गया। उन्होंने खुद कहा मैं बोलूँगा, तो जो बात कहनी थी वो कही। उसके बाद तलबा से मुखातब होकर के कहने लगे, बच्चों तुम लोग मदरसा ज़रूर कायम करना, मदरसे की ज़रूरत है, लेकिन ये अपने मदरसे जैसा मदरसा कायम। क्या कहने भाई, बहुत अच्छी बात। मेरे भाइयों, वो गैर मुस्लिम भाई ने इस अंदाज से बात की। हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात आए मदरसे के ऊपर, कुछ बातें आईं, तो हमारे जितने बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाई जो गांव के होते हैं वो मदरसे से इतने जुड़े हुए हैं, इतने करीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि बहुत सी बातों को तो प्रशासन का जवाब वही दे देते हैं। ये हमारा मदरसा है, हमारे मदरसे में वो मध्य प्रदेश का एक बड़ा ऑफिसर आया
मदरसे का मुआयना करने के लिए, मदरसे से लगा हुआ एक प्राइमरी स्कूल भी है, तो वहां पर भी गया, मदरसे के अंदर भी आया, तो हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई साथ में आए, वो उसको तारुफ करवा रहे थे कि साहब हमारा मदरसा है ये, हमारे मदरसे की आप तालीम देखिए, हमारे मदरसे में मुसाबका होता है। मुसाबका क्या चीज है? कुरान करीम का कंपटीशन। वो हिंदू भाई के जबान से ये निकल रहा था। और उसके बाद में फिर उन्होंने हमारी कापियां चेक की, और कापियां चेक करने के बाद में वो देखा कि हम लोग जो टिपाई रख करके नीचे बैठ करके बच्चों को तालीम देते हैं, वो बहुत खुश हुआ और अपने मातहत कलेक्टर से कहा कि इन मदरसे वालों को जिस चीज की भी जरूरत हो बेझिझक आप इनको मंजूरी दे देना। क्या कहने भाई, बहुत अच्छी। बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वक्त बहुत कम है, मुख्तसर सी बात अर्ज करना है, खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतर वह है, न हिंदू न मुसलमान, न अपना न पराया। एक आम बात कही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतर वह है जो सबसे ज्यादा लोगों को नफा पहुंचाने वाला हो। बेशक सबसे ज्यादा नफा पहुंचाने वाला हो। किसको नफा पहुंचाना है मेरे भाइयों? किसी इंसान है, वो इंसानियत के दायरे में आता है। और मेरे भाइयों लफ्ज इंसान जो है ये खुद बताता है कि जिसके अंदर उन्स हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे से ताल्लुक का जज्बा हो, वो तो इंसान है। और अगर ये सिफत उसके अंदर नहीं पाई जाती है तो वो तो शेर और चीता और भेड़िया है। आज हमारा हिंदुस्तान मेरे भाइयों, माफ कीजिएगा, कुछ खुद गरज किस्म के इंसानों ने खुद गर्जी का ऐसा डंका बजाया है, ऐसा सूर फूका है, ऐसा फिरकावारियत को आम किया है कि इंसान से इंसान डर रहा है। आज ट्रेनों में सफर करने के लिए जब कोई इरादा करता है तो 100 बार सोचता है कि साहब ट्रेन में सफर करने जा तो रहा हूँ मगर मेरा हश्र क्या होगा, मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, वहां क्या भेड़िया और चीता होता है क्या? इसलिए मेरे भाइयों हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें। मेरे भाइयों ये हमारी कमी है। हम जितने हम मदारिस वाले, माफ कीजिएगा भाई मैं अगर कोई बात गलत बोल जाऊं तो मदरसे वालों से, उलमा से माफी पहले से मांग रहा हूं। हमारी जिम्मेदारी है हम घर घर जा करके हम दीन के पैगाम को, नबी की शरीयत को अगर हम बताते, और हम बताते कि हमारे नबी का उसवा ये है, वो फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मोमिन नहीं, 3 मर्तबा सहाबा से फरमाया। और आगे फरमाया सहाबा ने, या रसूल कौन मोमिन नहीं है? फरमाया जो शख्स पेट भर करके खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। पड़ोसी की वजाहत नहीं की हुजूर ने कि तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान है या गैर मुसलमान है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों ये तालीमात, इन तालीमात को हमें आम करने की जरूरत है। हमें बिरादराने वतन के पास जाना है, हमको अपने ताल्लुकात बनाना है। जहर घोलने वाले तो जहर घोलते रहेंगे लेकिन जब मोहब्बत की हवा हम चलाएंगे तो इंशाल्लाह मोहब्बत की हवा हर घर में पहुंचेगी। और आम अभी मेरे साथ एक किस्सा पेश आया, मैं आपको एक नमूने के तौर पर बताता हूँ। 2 चीजें जो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह ने फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, ए बंदो, ए मेरे बंदो, ए इंसानों, तुम मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, चाहे जिस धर्म का मानने वाला हो, चाहे जिस ख्याल का आदमी हो, अगर अल्लाह से उसका ताल्लुक है, धार्मिक आदमी है, अपने धर्म पर अमल करने वाला है, तो मेरे भाइयों सारे धर्म जा करके ईश्वर का कोई इनकार नहीं करता, अल्लाह का कोई इनकार नहीं करता। दुनिया में चंद ही किस्म के ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह का, खुदा का इनकार करने वाले होंगे, वरना सारे मजाहिब वाले, सारे धर्म वाले इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह और ईश्वर एक है, ईश्वर को सारे के सारे मानने वाले हैं। वो ईश्वर कह रहा है, ए इंसानों, तुम मेरी रस्सी को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करने लग जाओ, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ वला तफर्रकू, आपस में फिरकाबाजी मत करो, तफरका मत करो, इत्तेहाद को खत्म मत करो,
वो अल्लाह कह रहा है तो तुम कामयाब हो जाओगे। आज मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पैगाम को हर घर में आम करें। तो हमारे साथ एक वाकया पेश आया, अभी जुमे के दिन की बात है ये। मैं वापस आया, मेरे साथ में मेरा लड़का था, मौलाना हुजैफा था। ये लखनऊ अवध बस स्टॉप के ऊपर हम एकदम साइड में किनारे खड़ी थी हमारी गाड़ी, और किसी के इंतजार में, हमारी बेटी और दामाद आने वाले थे, उनके इंतजार में हम खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे, इतने में दो आदमी आए, मोटरसाइकिल पे आए, हेलमेट उनके हाथ में, जिस तरफ हमारी गाड़ी थी उस तरफ उनका हेलमेट था। वो ला करके मेरे लड़के को जो सीट के बाहर खड़ा था उससे टकरा दिया, और मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। टकराने के बाद में एक की आवाज निकलती है, वो जुमला बोल करके, मुझे इतने बड़े मजमे में शर्म आती है, गाली दे करके बोला, मारो इसको, यही जुमला था, गाली दे करके। उसके इन अल्फाज को सुन करके मैं बाहर निकला, लेकिन मेरे बाहर निकलने से पहले, मेरे भाइयों, मैं स्टेज पर बैठा हूँ, मेरे बिरादराने वतन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहता हूँ, आज भी इंसानियत बाकी है किसी न किसी दर्जे में, बावजूद इसके कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जहर घोल दिया गया है, लेकिन इंसानियत बाकी है। मैं अपनी बाएं सीट से निकल करके पीछे से जब तक मैं सामने आऊं, उससे पहले पहले एक मेरा गैर मुस्लिम भाई वहां पर खड़े होकर के सख्त अंदाज में उससे बात की, गलत बात है, तू जो है जबरदस्ती दबाव डाल रहा है, सरासर गलती तेरी है, मैं सामने खड़ा हूँ, और उसके बाद तू प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है। मेरे भाइयों, उस अल्लाह के बंदे का आना ये अल्लाह की गैबी मदद थी, गैबी नुसरत थी, और उसके दिल में आखिर तक के वो जमा रहा और उनसे बहस करता रहा। इतने में दो पुलिस वालों को उसी ने बुलाया और मामले को रफा दफा किया तकरीबन आधे से पौन घंटे तक। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज हमारी कौम को, हमारे हिंदू, हमारी कौम से मुराद हमारे पूरे हिंदुस्तानियों को दो चीजों की जरूरत है। एक तो हमारे रब से, हमारे खालिक से, हमारे मालिक से हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाए। कोई हिंदू धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, कोई किसी के साथ जुल्म ज्यादती को कोई धर्म नहीं इजाजत देता है। ये तो सब हमारी गरज है, हमारी वोट और नोट की सब स्कीमें हैं ये, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो सिर्फ हमारे अंदर तफरका डाल रहे हैं। अभी इस मौजू के ऊपर जो बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, जो आलिम दीन तशरीफ लाए हैं, मेरे भाइयों, इस बुजुर्ग इस मौजू के ऊपर ऐसी वजाहत के साथ आप पेश करेंगे। धार्मिक किताबें सिर्फ कुरान नहीं, चार वेदों के जरिए से आपके सामने बात आएगी कि कौन सा धर्म क्या सिखाता है। कहीं पर मारधाड़ नहीं है, कहीं पर किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं है, लेकिन पता यह चला कि हम अपने धर्म को मानने वाले ही नहीं। एक जरूरत तो यह है मेरे भाइयों, हम ईश्वर को, अल्लाह को मजबूती से मानने वाले अपने ईमान को मजबूत कर लें, और दूसरी बात यह है, इस पैगाम को जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले दिया था, खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा नफा पहुंचाने वाला हो। मेरे भाइयों, नबी की सीरत को उठा करके देखो, जानी दुश्मन आया हुआ है, नंगी तलवार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ले करके खड़ा हो गया, अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा। ये ऐसे मशहूर किस्से मेरे भाइयों, इनको हम सुन लेते हैं मगर एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, उसके जबान से जब ये निकला कि अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह, अल्लाह, लफ्ज अल्लाह का कहना था कि उस जानी दुश्मन का बदन कांपने लगा, हाथ थर थर कांपने लगा, तलवार हाथ से छूट करके गिर पड़ी। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार अपने हाथ में उठाई और कहा, अब बता तुझे कौन बचाएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम और आप होते या कोई भी बड़ा बादशाह होता उसकी बोटी बोटी कर डालता, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, क्या, अच्छा जा, उसने कहा आपके सिवा मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया, जा मैं तुझे माफ करता हूँ। मेरे भाइयों, ये हमारे नबी का उस्मा है। आज हम आपस में झगड़े कर रहे हैं,
एक दूसरे के खून के हम प्यासे हैं। जमीन जायदाद के मसाइल देख लो, कोर्ट कचहरी में चले जाओ, ज्यादातर कौन लोग मिलेंगे। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे ज्यादा वक्त न लेकर के एक पैगाम आपको दे रहा हूँ। आज इस मजमे के अंदर आप तय कर लो, हम अपने जाती मामलात को भी सुलह से हल करने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ साथ अपने खालिक से, अपने मालिक से मजबूत ताल्लुक बना करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ बिरादरान वतन, जो जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे महल्ले में हैं, हमको उनके पास जाना है, उनके दुख दर्द में शरीक होना है। हमारे बड़े मेरे भाइयों, ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, अपने बड़ों की बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ, जो रात दिन चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जिस तरफ एक तरफ नफरत की आग बोई जा रही है, ऐ मुसलमानों तुम मोहब्बत की हवा चलाने लग जाओ, इंशाल्लाह मोहब्बत की बात लोगों के दिलों में उतर जाएगी। तय करो कि इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, आज हम तय करते हैं कि अपने ईमान को भी मजबूत करेंगे, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ ये मेरे भाइयों कि अपने नबी के पैगाम को हर घर में आम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो आलिम दीन यहाँ तशरीफ ला रहे हैं मेरे भाइयों, उनका जबरदस्त बयान होना है, और भी बीच में और उलमाए किराम होंगे, आप हजरात से मेरी दरख्वास्त है जमकर बैठिए, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, और नियत करिए कि अमल करके इंशाल्लाह, अमल करने की नियत से हम यहाँ से उठेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।